अपने साथियों की भी जब तक दिलों की बातें नहीं होंगी तब तक ये कार्यक्रम अधूरा रह जाएगा। इसलिए मैं आजमगढ़ के साथियों आपको बताना चाहता हूं, जहां आपकी मुझे दिल से सेवा करनी है, वही समाजवादी झंडा जो आजमगढ़ वालों ने कभी झुकने नहीं दिया, उस झंडे को और बुलंद करने में कोई कमी नहीं रखूंगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। आजमगढ़ के लोगों कोई मामूली बात नहीं है। हमें तो याद है 1993 से आज तक जब गठबंधन बनाया था सत्यदेव नेताजी ने मान्यवर के साथ, उस समय आजमगढ़ और मऊ शायद एक ही जिला हुआ करता था, 14 की 14 सीटें सपा बसपा गठबंधन को देने का काम आजमगढ़ के लोगों ने किया। लगातार 4 बार आदरणीय रमाकांत जी को भी सांसद बनाया आपने, सत्य नेताजी उसके बाद सांसद रहे, आदरणीय अखिलेश यादव जी सांसद रहे, 12 का चुनाव हो 10 में से 9 सीटें, 17 के चुनाव में जहां बीजेपी 325 देश में पा गई थी, वहां आजमगढ़ में से केवल 10 में से 1 सीट पाई थी, वो भी इसलिए पा गई थी कि हमारे ही समाजवादी नेता का बेटा उस क्षेत्र से चुनाव लड़ गया था, इसलिए पा गई थी, नहीं पाती बीजेपी 2017 के चुनाव में भी, और 22 के चुनाव में आपने फिर साबित कर दिया कि आजमगढ़ नेताजी की सरजमी है, नेताजी की सरजमी रहेगी। मेरे साथियों, 22 का चुनाव उपचुनाव एक्सीडेंटल जीत जरूर हुई बीजेपी की, हम भाइयों में थोड़ा मतभेद हो गया, हमारे जवानी साहब सामने आ गए, भाई ने हमारा बड़ा नुकसान कर दिया, थोड़े वोट से हार गए, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं इस मंच से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जिन्होंने आदरणीय जवानी साहब को ज्वाइन कराया और आदरणीय जवानी साहब को जिन्होंने आना कबूल किया हमारी पार्टी में, उसके बाद तो फिर कोई चुनाव ही नहीं रहेगा। जहां आजमगढ़ के मेरे लोगों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आपसे हमको जज्बाती रिश्ते चलाने हैं, वही मैं जानता हूं कि आजमगढ़ की सरजमी मामूली सरजमी नहीं है। देश के सामने जब कोई बड़ी राजनीतिक चुनौती आई, चाहे देश की जब आजादी की लड़ाई चल रही थी, चाहे इमरजेंसी की लड़ाई चल रही हो, या समाजवादियों के सामने जब कभी चुनौती आई, तो आजमगढ़ के लोगों ने समाजवादियों को हमेशा झंडा को बुलंद करने का काम किया, कभी आजमगढ़ के लोगों ने पीठ दिखाने का काम किया। इसलिए इस मौके पर मैं कहना चाहता हूं, जहां इस क्षेत्र से चुनाव तो आदरणीय दरोगा जी को और मुझे आपका आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा, वही आजमगढ़ के लोगों में आज आपको भरोसा दिलाता हूं, आपका प्रतिनिधि बन के जब जाऊंगा तो कोई दिल्ली में गूंगा बहरा एमपी बन के नहीं बैठने जाऊंगा, ये ध्यान, और ऐसा भी एमपी बन के नहीं जाऊंगा कोई कितनी भी बड़ी सी बड़ी सामने चीजें खड़ी रहे, चाहे कोई तानाशाह खड़ा रहे, लेकिन आपका बेटा कभी आपका मान सम्मान गिरने नहीं देगा। पीड़िया की लड़ाई जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने छेड़ी है, उस लड़ाई का सबसे मजबूत वकील बन के आपके बीच रहूंगा, ये आजमगढ़ के लोग आपको फील करता है। मुझे नहीं मालूम मेरी इस लड़ाई से मेरे साथ कौन मुझसे खुश होगा, कौन नाराज होगा, लेकिन मैं आज इस मौके पर कहना चाहता हूं और संकल्प लेना चाहता हूं आजमगढ़ के लोगों, आपके बीच जीवन में चाहे जितनी बड़ी चुनौतियां आ जाए, चाहे जितनी बड़ी ताकत सामने क्यों ना खड़ी हो, लेकिन बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, हमारे पिछड़े दलित भाइयों के, आदिवासी भाइयों और मुसलमान भाइयों के, और जो हमारे जरूरतमंद और अगड़े भाई हैं, उन भाइयों के अगर मान सम्मान स्वाभिमान की कभी कोई लड़ाई आएगी तो आपका बेटा सबसे पहले सीना अड़ा के लड़ने का काम करेगा, ये मैं अपने आजमगढ़ के लोगों आपको यकीन दिलाना चाहता हूं साथियों। और ये बातें कोई आज में चुनाव की उम्मीदवारी के कारण आपके बीच नहीं कह रहा हूं, सत्य नेताजी के सानिध्य में रहते हुए लोकसभा में मुझे संघर्ष करने का बहुत सारा मौका मिला है, और जब कभी मौका मिला है तो मेरे आजमगढ़ के भाइयों, कम से कम आप फक्र महसूस कर सकते हो, आपका भाई कभी किसी तानाशाह से दबने का काम नहीं किया है। ऐसा बताओ मेरे साथियों कभी दबा हो? इसलिए आज मैं कहना चाहता हूं, देश की राजनीति में जो माननीय अखिलेश यादव जी ने लड़ाई छेड़ी है, कोई मामूली लड़ाई नहीं है, और आप सभी जानते हो जब इस लड़ाई को जिस किसी ने छेड़ा,
चाहे आजादी से पहले हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने छेड़ा हो, चाहे सत्य नेताजी ने छेड़ा हो, कर्पूरी ठाकुर जी ने छेड़ा हो, मान्यवर काशीराम जी ने छेड़ा हो, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने छेड़ा हो, जब किसी लोगों ने भी समाज के दबे कुचले शोषित पीड़ित लोगों की आवाज को छेड़ने का काम किया, आवाज को बुलंद करने का काम किया है, तो निश्चित तौर पर ये सामंती लोगों ने अन्याय अत्याचार में और षड्यंत्र में कभी कमी नहीं रखी मेरे साथियों। इसलिए मैं आज इस मौके पर अपने दलित भाइयों से, पिछड़े भाइयों से अपील करूंगा, इस लड़ाई को आपको लड़ना है और आपको जीतना है, और ये लड़ाई आपके हक की लड़ाई है साथियों। आज देश के अंदर चिंतन मंथन चल रहा है इस बात का कि देश में संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा। मैं समझता हूं जो दो चरणों का चुनाव हुआ है, उस चुनाव के वहां के जनमानस ने यह साबित कर दिया है कि बाबा साहब के संविधान को जो छेड़ने की कोशिश करेगा वो गद्दी से उतरने में समय उसको नहीं लगेगा। दो चरणों का चुनाव साबित कर दिया है। अब बीजेपी वाले कहीं 400 पार की बातें नहीं कर रहे हैं, बताओ 400 पार की बातें वो नहीं हो रही हैं। और अभी निकलने दो तीसरे चरण का चुनाव 7 तारीख को, ये 400 पार छोड़ो, ये 200 के नीचे ना आ जाएं, तब आपसे बात करेंगे साथियों। क्योंकि आज देश का, प्रदेश का, समाज के जिम्मेदार लोग, गरीब लोग, दलित लोग, पिछड़े लोग, पीड़ित लोग सब एक मंच में खड़े